हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स, कैसे हो सब। मैं हूं तस्लीम और आप देख रहे हो आपका अपना तस्लीम जून। दोस्तों, आज का जो ब्लॉग है ये काफ़ी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि ये किसी मार्केट का ब्लॉग नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ एक बड़े यूट्यूबर हैं जिनका नाम है दया शंकर मौर्या और उनका यूट्यूब चैनल है बिकम यूट्यूबर, जिनके लगभग 3 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो उन्हीं का आज एक मीटअप है, तो यहाँ पर हम लोग उन्हीं के मीटअप में आए हुए हैं उनसे मिलने के लिए। तो 12 बजे उन्होंने बताया था कि आ जाएंगे, बट 12:30 हो गए, अभी तक वो नहीं आए हैं। तो मिलते हैं उनसे और उसके बाद दिखाते हैं कि यहाँ पे उनसे मिलने का एक्सपीरियंस कैसा है। तो देखते रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहे। देखो, भाई ने मुझे पहचान लिया, मैंने एक वीडियो बनाई थी नखास की बर्ड मार्केट के साथ। जी जी जी। तो वो वीडियो इन्होंने देखी थी, तो इन्होंने पहचान लिया। भाई का नंबर भी दिया था। जी जी। आपका नाम भाई? मेरा नाम सौरभ है। तो भाई का नाम सौरभ है, आपका कोई चैनल? जी, मेरा चैनल है म्यूजिक फॉर यू, उस पर मैं गिटार के लेसन देता हूँ। तो आप भाई का भी चैनल सपोर्ट करो, भाई को सब्सक्राइब करो। तो चलो दया भाई आगे, आपको दिखाते हैं आगे। जी भाई, सब लोग नीचे रहना, भाई सब लोग नीचे आइए। 10 लोगों का प्यार है, जितने सब्सक्राइबर गेन हो रहे हैं। लखनऊ परफेक्ट सिटी है, मतलब हर हिसाब से गुड 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 गुड, मतलब आज के बाद लखनऊ लाजवाब बोला जाए। हाँ हाँ, बिल्कुल लाजवाब भाई वो बोल रहे। अजय भाई, आपकी एज कितनी होगी? एज तो देखो क्या होता, गांव की थोड़ी ऐसी थिंकिंग है, ये सही लिखते नहीं मार्कशीट पे, तो एग्जैक्ट हमें पता नहीं है, बाकी हम 99 मतलब लिखते हैं अपनी मार्कशीट पे। 99। ये बताइए, आपके इतने क्यूट दिखने का राज क्या? आई थिंक पता नहीं, 1+6 भाई ने सही पढ़ा। 1+6 थोड़ा जो कैमरा उसका मोबाइल है, उसका कैमरा थोड़ा सा ऐसा है, तो मतलब थोड़ा उसमें ज़्यादा ही इन्हेंस करके दिखता है। अच्छा, 1+6 का? अरे गलत हो गया, ये नहीं होना चाहिए था। 1+ वालों ने हमें कोई रुपए नहीं दिए। रुपया आपके लिए सेकेंडरी है? क्या मतलब सेकेंडरी? पर्पस? हाँ मान सकते हो, पहले तो मतलब प्राइमरी था, रुपए के लिए स्टार्ट किया था, ठीक है, अभी सेकेंडरी मतलब अभी वो प्रायोरिटी में ही नहीं है, आप ऐसा मान लो। अच्छा, मतलब अच्छा, ये बताइए यूट्यूबर को कुछ संदेश देना चाहेंगे? यूट्यूबर को क्या संदेश? यही है भाई, जो यूट्यूब पे मत रहो, ठीक है। यूट्यूब का मतलब भरोसा तो है, लेकिन ज़्यादा भरोसा नहीं कि है, मतलब सब दिन तक चलता रहेगा। तो ऐसे बनो कि कंटेंट अच्छा बनाओ, ताकि आप प्लेटफॉर्म शिफ्ट कर सको, जैसे फेसबुक पे जा सको, इंस्टाग्राम पे जा सको, और मे बी इन फ्यूचर नेटफ्लिक्स पे भी आप मूव कर सको। तो कंटेंट बनाने में महारत हासिल करो, यूट्यूबर बनने में नहीं। मेरे अपने लाइफ स्टाइल के बारे में बताइए। लाइफ स्टाइल बिल्कुल नॉर्मल है, आप लोगों जैसी है, इवन आपसे मतलब थोड़ी वैसे ही है। अच्छा, अभी आप सिंगल हैं? हाँ बिल्कुल, पर तो हो नहीं सकता। एंगेज्ड नहीं, आप लाइव क्यों नहीं आते? लाइव अभी बहुत सारे लोगों के चांसेस हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, ट्राई कर सकते हैं भाई। भाई सेल्फी भाई, क्या बात है, यूट्यूब पे आप लाइव क्यों नहीं आते हैं? अभी तक मतलब लाइव इसलिए नहीं आते थे क्योंकि कैमरा अच्छा नहीं था, अब कैमरा अच्छा होगा तो टाइम नहीं मिला है। भाई आपका चैनल भास्कर टेक? भाई का चैनल भास्कर टेक है। सब्सक्राइबर आपके 75,000? 74,000 कुछ है सब्सक्राइबर। और एक यूपी वाला लौंडा करके नया चैनल है, इतने बड़े नहीं है भाई, इन लोग को सब्सक्राइब करना चाहिए। हम लोग को भी भाई सपोर्ट करो, भाई का चैनल जाके देखो, अगर अच्छा लगे तो आप भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब, इनको भी सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम आलोक सिंह है, मैं सिंगिंग करता हूँ। तो भाई सिंगर है यार, अब
अच्छी अच्छी बातें यहाँ पे, मतलब आने के बाद अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात हो रही है, मिलने को मिल रहा है। तो भाई आप एक गाना थोड़ा सा, मतलब कॉपीराइट ना इसके लिए 30 सेकंड से कम का गाना थोड़ा। भीगी भीगी रातों में फिर तुम आओ ना, ऐसी बरसातों में आओ ना। सिंगर है यार भाई का चैनल भी जाके चेक करो, अगर आपको अच्छा लगे तब सब्सक्राइब करो, मेरा चैनल भी चेक करो अगर अच्छा लगे तब सब्सक्राइब करो, अगर आपको चैनल अच्छा ना लगे तो सब्सक्राइब ना करो, आपको फोर्स नहीं किया जा रहा है। तो यार मुझे लगता है कि लगभग एक घंटे हो गए हैं दया भाई को यहाँ पे पहुँचे हुए, बट भीड़ अभी भी कंट्रोल से बाहर है, लोगों का इतना ज़्यादा प्यार दया भाई के लिए, देख सकते हो आप कितने सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। तो बहुत सारे यहाँ पे क्रिएटर इकट्ठा हुए हैं जो बहुत दूर से, बिहार से भी लोग दया भाई से मिलने के लिए आए हैं। लखनऊ में मीटअप है और ये रूमी दरवाज़ा है, इसी के पास में बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, यहाँ पर ज़्यादातर टूरिस्ट लोग आते हैं। तो दया भाई ने यहीं पर मीटअप रखा था, तो मीटअप तो काफ़ी अच्छा था, काफ़ी शानदार मीटअप हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, जिससे हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए।